तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप लोग टॉर ब्राउजर को कैसे यूज कर सकते हो अपने काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग काली लिनक्स के अंदर अपना वेब ब्राउजर खोल लीजिए, और वेब ब्राउजर खोलने के बाद आप लोगों को सर्च करना है टॉर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा टॉर, और टॉर हम लोग खाली कर देंगे यहाँ पे सर्च। ओके, अब टॉर सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पहली वेबसाइट आ रही है टॉर प्रोजेक्ट वाली, इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देने वाले हैं। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा, टॉर ब्राउज़र के ऊपर मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो भाई आप लोग आई बटन के ऊपर जाकर के उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिनमें मैंने बताया कि टॉर ब्राउज़र आप लोग एंड्रॉयड में कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्लस कैसे आप लोग विंडोज़ के अंदर कर सकते हैं, और कुछ टॉर ब्राउज़र के जो टॉप के सर्च इंजन्स हैं उनके बारे में भी मैंने बात की है। ठीक है, तो आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड टॉर ब्राउज़र है, हम लोग इसके ऊपर क्लिक कर देने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हम लोगों को लिनक्स के लिए करना है टॉर ब्राउज़र, तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर लिनक्स है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देने वाले हैं, और हमारा टॉर ब्राउज़र बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आप लोग देख पाओगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे हम लोगों का टॉर ब्राउज़र बहुत ही अच्छे से डाउनलोड हो गया है। आप लोगों को क्या करना है कि इसको सिंपल से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है अपने डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, आप चाहो तो किसी हार्ड ड्राइव के अंदर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, बट किसी जगह पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि ये एक XZ, मतलब आप लोग समझ सकते हो एक zip फाइल के अंदर है। अभी हम लोगों को इसको पहले एक्सट्रैक्ट करना है, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद यहां पे देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट हियर का एक ऑप्शन आता है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे, और आपको थोड़ी देर के अंदर बिल्कुल अच्छे से एक फोल्डर मिल जाएगा जिसके अंदर ये जो पूरी टॉर ब्राउजर की फाइल्स है ना, वो अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। और अगर आपको एक्सट्रैक्शन में कोई एरर आता है, या फिर काली लिनक्स के अंदर टॉर ब्राउजर चलाने में कोई एरर आता है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, आप लोग वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो और अपने एरर्स को वहां पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गया है। एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक टॉर ब्राउजर का फोल्डर देखने को मिल जाएगा, हम लोग इस फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे स्टार्ट टॉर ब्राउजर डॉट डेस्कटॉप नाम से एक फाइल आती है। ठीक है, अभी आपको इसको ओपन कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले एक चीज चेक करनी होती है, इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करिए और प्रॉपर्टीज में चले जाइए। ठीक है, प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे जो परमिशन का सेक्शन है ना, यहाँ परमिशन के सेक्शन पे जाके आप लोगों को ये सारी चीजें देखनी है। जैसे सेम टू सेम मेरे में है ना, रीड एंड राइट, ग्रुप काली है, एक्सेस नन है, और जितनी भी चीजें, और खासकर ये अलाउ दिस फाइल टू रन एज अ प्रोग्राम, ये जो है, ये जो टिक लगा हुआ है, ये भी आप लोगों को लगा देना है। ठीक है, तभी आप लोग रन करिएगा, वरना आप लोगों में एरर आएगा या फिर रन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे अगर सारी चीजें सेम है। उसके बाद हम लोगों को इसके ऊपर सिंपल से डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं अगर कुछ इस टाइप का आपके में ऑप्शन आए तो लॉन्च एनी वे कर दीजिएगा, अगर नहीं आता है तो कोई भी ऑप्शन आता है जिसमें अलाउ लिख के आ रहा हो, या फिर ये अपने आप भी ओपन हो जाता है, तो आपको बस सिंपल से अलाउ कर देना है या फिर लॉन्च एनी वे कर देना है। ठीक है, आप लोग जैसे इतना करोगे ना, आपका टॉर ब्राउजर बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। अब एक चीज याद रखिएगा, टॉर ब्राउजर जैसे ही स्टार्ट हो जाए, यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट टू टॉर का सेक्शन है, आप लोग चाहो तो ऑलवेज कनेक्ट लगा सकते हो। जैसे टॉर ब्राउजर खोलोगे, डार्क वेब से आपका कनेक्शन बैठ जाएगा, अगर आप मतलब चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं चाहोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिंपल से वन टाइम के लिए कनेक्शन एस्टेब्लिश कर ले रहे हैं। ओके, और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास डेस्कटॉप पे एक नोटपैड वाली फाइल है, इसके अंदर मैंने टॉप 5 टॉर ब्राउजर के सर्च इंजन्स को लिख के रखा है। अब याद रखिएगा, नॉर्मल वेब ब्राउजर पे तो हम लोगों को भाई वेबसाइट के URLs याद हो जाते हैं, तो हम लोग URL डाल के वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, बट क्या टॉर ब्राउजर में ऐसा करना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके URL बहुत ही आड़े टेढ़े होते हैं, तो इसलिए हम लोग हमेशा डार्क वेब या फिर डीप वेब, जो भी आप कहो, टॉर ब्राउजर के ऊपर हम लोग भाई लेते हैं यूज सर्च इंजन्स का। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैंने टॉप 5 सर्च इंजन को शॉर्टलिस्ट करके रखा है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, आप लोगों को वो देखना है, आई बटन के ऊपर वो वीडियो मिल जाएगी। आप लोगों को क्या करना है, ये जो टेक्स्ट फाइल है ये पिन कमेंट से डाउनलोड कर लेनी है, और आपको यहाँ पे देख सकते हैं URL, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ कॉपी। ये सारे अलग अलग सर्च इंजन है, सपोज करो ये जो टॉर सर्च इंजन है इसको गूगल की तरह मान सकते हो, अहिमा वाला ये जो भी है इसको आप डक डक गो मान सकते हो, और दूसरे जो भी सर्च इंजन है आप लोग उनका भी यूज कर सकते हो, एक ना काम करे तो दूसरा यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पेस्ट एंड गो। अब एक चीज याद रखना कि ये जो सर्च इंजन है कई बार आपकी नेट स्पीड के हिसाब से वेरी कर सकते हैं, देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो सर्च इंजन है वो तुरंत ही लोड ले गया और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो गया है। अब याद रखना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ,
कि डार्क वेब की जो वेबसाइट्स होती हैं वो आप लोगों को याद करना, भाई मतलब दिमाग में आप लोग याद नहीं कर सकते, इनकी URL देखो। तो हमेशा आप लोग एक सर्च इंजन का यूज़ करो, सर्च इंजन के ऊपर आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, मतलब जैसे कि लर्न हैकिंग, ठीक है, मुझे हैकिंग मतलब सीखना है। अब मैं जानता हूँ कि नॉर्मल वेब पे तो मुझे कुछ हैकिंग से रिलेटेड कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो क्या डार्क वेब पे मिल सकता है? बिल्कुल, यहाँ पे भी मिल सकता है, बट यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस ये होंगे कि आपको पेड कंटेंट मिलेगा, फ्री कंटेंट बहुत ही कम मिल सकता है, पेड कंटेंट मिलेगा। बट यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, आप लोग यहाँ से भी सीख सकते हो। और एक चीज़ याद रखना, विंडोज़ के मुकाबले काले लिनक्स ज़्यादा सेफ है आपका डार्क वेब यूज़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हैकिंग के जो एक्सिक्यूटेबल प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं ना, वो विंडोज़ के लिए बनाए जाते हैं। बट आप लोग ये समझ सकते हो विंडो की तुलना में काले लिनक्स हैक होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, विंडोज़ के हैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो और मेरी दूसरी डार्क वेब की वीडियोस को देखना हो तो एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएंगी। और अगर मेरा चैनल, मेरा समझाने का तरीका तुम लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरा एक गेमिंग चैनल भी है जहाँ पर मैं अलग अलग टाइप के गेम्स खेलता हूँ, अगर आपको वो चैनल भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल की लिंक है, आप लोग जाके उस चैनल को भी देख सकते हो। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में।